Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are safe and doing great. So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन. Guys, don't worry, मैं इस वीडियो को 30 मिनट्स तक की नहीं खींचने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सारा मेकअप कलेक्शन नहीं है कि मैं इस वीडियो को 30 मिनट्स तक ही खींचूँ. क्योंकि मैंने जब से YouTube चैनल क्रिएट किया है तभी से मैंने मेकअप कलेक्शन स्टार्ट किया है. उसके पहले मेरे पास इतना ज़्यादा मेकअप नहीं था और ना मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती थी. तो या बट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ. पहली, प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ शो ऑफ. मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ. मैं आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट में वीडियो को बना रही हूँ. एंड दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो गाइज, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द बेस मेकअप. बेस मेकअप में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से. तो गाइज, मेरे पास मॉइस्चराइजर्स हैं निविया के, आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद द निविया मॉइस्चराइजर्स गाइज. ये स्पेशली मेड फॉर दी ड्राई स्किन पीपल. सो गाइज, और मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली ड्राई है गाइज. सो आप देख सकते हो मेरे पास नेविया का ये ब्लू वाला है, देन येलो वाला है, एंड देन ये पिंक वाला है, एंड देन ये वाला है, एंड नेक्स्ट है मेरे पास बायोटिक का मॉइस्चराइजर, एंड देन ये जॉय का है, एंड देन ये पॉन्स का है. सो दैट्स इट फॉर दी मॉइस्चराइजर्स. नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमर एंड फाउंडेशन पार्ट में. तो गाइस, मेरे पास है प्राइमर, ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. गाइस, ये वो 150 वाला जो फाउंडेशन आता है, सॉरी प्राइमर आता है, ये वो है. ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसका कॉपी है. एंड इसके बाद मेरे पास है प्राइमर में ये ब्लू हेवन का प्राइमर है. एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टेक ओके का प्राइमर. ये मैंने बहुत से अपने वीडियोस में यूज़ कर रखा है एंड ये मुझे बहुत पसंद है. मैंने आपको कई बार बताया भी है अपने वीडियोस में. नेक्स्ट है मेरे पास ये पर्पल का प्राइमर, एंड ये वाला मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है एंड मैंने अभी इसे अपने एक ही दो वीडियो में यूज़ किया है, बट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है ये वाला. एंड फाउंडेशन में आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन. नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टे कोकी का फाउंडेशन. एंड इसके बाद है मेरे पास ये फिट मी का फाउंडेशन. एंड इसके बाद है ये मैक का फाउंडेशन विच इज़ अगेन ड्यूप. एंड इसके बाद है ओलिविया का ये पैनकेक फाउंडेशन. मैंने अभी इसे एक ही दो बार यूज़ किया है, वो भी ऐसे ही यूज़ किया है, वीडियोज़ में यूज़ नहीं किया है. मैं आपको पक्का से वीडियोस में यूज़ करके बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करते हैं. एंड इसके बाद है मेरे पास ये लैक्मे का फाउंडेशन गाइस. ये बहुत 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 ही अच्छा फाउंडेशन है, ट्रस्ट मी, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे इसे लेने के बाद. एंड इसके बाद है मेरे पास ये मेबलिन का फाउंडेशन, मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन गाइस. ये सबसे अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे अपने पूरे कलेक्शन में. ये वाला जो अभी तक का मेरा जो कलेक्शन है उसमें से ये वाला जो फाउंडेशन है मुझे बहुत 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 पसंद है. इसकी फुल कवरेज है गाइस एंड ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है. एंड इसके बाद है मेरे पास ये एमिन का फाउंडेशन जो कि मेरे शेड को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ही लाइट है मेरे स्किन टोन से ये वाला. एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये स्टिक फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का. जब मैंने वन ब्रांड मेकअप लुक किया था तब मैंने शायद इसे लिया था एंड ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है. नेक्स्ट है मेरे पास ये आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर, एंड ये भी बहुत ही प्यारा इल्यूमिनेटर है गाइस. एंड इसके बाद है मेरे पास ये गार्नियर का बीबी क्रीम. एंड शायद एक और मैंने ये नहीं बताई, एनवाईबी का प्राइमर है मेरे पास. एंड इसके बाद है मेरे पास ये ओलिविया का पैन स्टिक गाइस. ट्रस्ट मी, इसे मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं इसे ही वेयर करके जाती हूँ. ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट है. इसे मैं हमेशा ही बाहर जाती हूँ तो इसी को बस वेयर करती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ ये लगाती हूँ एंड थोड़ा बहुत कंसीलर एंड दैट्स इट. एंड इसके बाद या दैट्स इट फॉर दी फाउंडेशन पार्ट. एंड नेक्स्ट हम आते हैं अपने कंसीलर पार्ट में. सो ओके सो गाइस, ये है मेरे पास कंसीलर्स, इतने ही हैं मेरे पास कंसीलर. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी एन वाई बे कलर करेक्टर गाइस. ये ऑरेंज कलर करेक्टर है एन वाई बे का. नेक्स्ट है मेरे पास ये ऑरेंज कलर करेक्टर जो कि है एल ए कर्ल प्रो कंसील का. एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये
मेबलिन का कंसीलर फिट मी, मेबलिन फिट मी कंसीलर। एंड इसके बाद है मेरे पास इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर जो कि अगेन मेबलिन का। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है। एंड बट मुझे इसकी ना पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा तो इसमें वेस्ट हो जाता है, सॉरी। एंड इसके बाद है मेरे पास ये NYBA का गेन कंसीलर जो कि है येलो टोन में ब्राइटनेस के लिए जिसे यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद है मेरे पास ये ये है हिलेरी रोडा का डबल वेयर कवर पेन स्टिक। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। गाइस ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इसे लेने के लिए। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा कंसीलर लेना चाहते हैं तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करें, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास NYBA का कंसीलर। एंड इसके बाद है मेरे पास ये ब्लू हेवन का कंसीलर। गाइज ये अब थोड़ा सा पीच कलर में है, इसे मैंने अपने ही स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया था जिसे मैं डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड कर सकूं थोड़ा बहुत। सो ये थोड़ा सा इन सब शेड में से ये थोड़ा सा डार्क है। एंड इसके बाद है मेरे पास ये अगेन NYBA का क्रीम कॉन्टोर है मेरे पास ये वाला। यस ये क्रीम कॉन्टोर है, इसका शेड है टॉफी। या इसके बाद है मेरे पास ये कॉन्टोर 3D बाम मार्स का जिसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था एंड इसके एक तरफ है आपको कंसीलर मिल जाता है एंड इसकी दूसरी तरफ आपको मिलता है कॉन्टोर शेड। एंड दैट्स इट फॉर द कंसीलर गाइस। गाइस ये वाला कंसीलर जो है बच गया था, तो ये है NYBA रनवे का कंसीलर। एंड गाइस ट्रस्ट मी ये भी बहुत 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 अच्छा कंसीलर है अफोर्डेबल प्राइस में। सो इसे भी हम साइड रखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर्स में। सो गाइस फर्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। गाइस ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका मेरा मिरर निकल चुका है इसलिए मैं इसे खोल के नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट है मेरे पास ये NYBA का कॉम्पैक्ट एंड ये है आपको SPF के साथ मिलता है, SPF 40 के साथ मिलता है विच इज़ वेरी गुड। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये पर्पल का बनाना बेक एंड सेट बनाना पाउडर। एंड गाइस ये थोड़ा सा येलो टोन में पाउडर है एंड मुझे बहुत पसंद है ये वाला पाउडर। नेक्स्ट है मेरे पास ये लैक्मे का लूज पाउडर गाइस एंड ये भी आपको 150 के अंदर आराम से मिल जाने वाला है एंड ये भी बहुत अच्छा लूज पाउडर है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ग्लैम 21 का डुओ फिनिश ब्राइट स्किन पाउडर। एंड गाइस ये भी कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये इसमें मेरा शेड है 02। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये कॉन्टोर, इकलौता कॉन्टोर पाउडर है ये मेरे पास शुगर का, आप देख सकते हो इतना मैंने यूज़ कर लिया ऐसे इकलौता है। इसकी ना मैग्नेटिक पैकेजिंग है जो कि मुझे बहुत पसंद है, अब खुल भी नहीं रही है, चलो हटाओ इसे। नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर और इसमें मेरा शेड है 25 मीडियम। गाइस ट्रस्ट मी ये भी वन ऑफ माय फेवरेट लूज पाउडर में से है इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं लगाती। वो कहते हैं ना मतलब जो हमारा फेवरेट होता है तो उसे हम थोड़ा सा बचा के यूज़ करते हैं, तो यस वैसे ही मैं यूज़ करती हूँ इसे। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट लूज पाउडर। एंड गाइस ये भी मैंने तभी ख़रीदा था, तब मैंने वन ब्रांड मेकअप लुक किया था तब मैंने इसे ख़रीदा था। एंड गाइस ट्रस्ट मी ये वाइट ट्रांसल्यूशेंट पाउडर है। एंड गाइस बहुत ही अच्छा पाउडर है, आप इसे भी यूज़ करके देख सकते हो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मेरे पास हाइलाइटर एंड ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। अगेन मैंने इसे तभी ख़रीदा था तब मैंने वन ब्रांड मेकअप लुक किया था, तो ये सब तभी के हैं। एंड स्विस ब्यूटी के ट्रस्ट मी गाइस स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि आप अगर ले लोगे ना तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो हाइलाइटर। एंड गाइस ये थोड़ा सा पिंक टोन में है, क्या बोलते हैं इसे, कौन सा शेड है ये मेरा
रोज़ गोल्ड मोल्टन ये मेरा शेड है इसमें, एंड गाइस बहुत अच्छा हाइलाइटर है। ओके सो नेक्स्ट हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है आई शेडोज। सो या सो गाइस ये है मेरे आई शेडो पैलेट्स, आप देख सकते हो। आई थिंक मेरे पास सबसे ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स ही होंगे। ओके सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट आई शेडो, एंड ये मैंने अभी न्यू परचेज किया है, निका के का बर्थडे केक आई शेडो पैलेट। एंड ये गाइस अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, इसलिए अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का टॉपेज ऑब्सेशन पैलेट, एंड इसे भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में यूज़ किया था। इसकी मैग्नेटिक टाइप की पैकेजिंग है गाइस, बहुत ही प्यारा पैलेट आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का न्यू न्यूट पैलेट, एंड इसके बाद है मेरे पास ये कलर स्टूडियो का ब्यूटी ग्लेज्ड पैलेट, आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे और कितने सारे शेड्स हैं ना इसमें। सो ये है मेरे पास, एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये मार्स का पैलेट। एंड गाइस मैं आपको बता रही हूँ, ये है मेरा सबसे पहला आई शेडो पैलेट जो मैंने सबसे पहले लिया था, एक ये वाला है, एंड एक है वो लैक्मे वाला जो आई थिंक सो 3-4 पैलेट्स में आता है, मतलब 3-4 पार्ट्स में वैसे आता है। सो वो है मेरे पास, बट आई थिंक सो वो यहाँ नहीं रखा हुआ है। तो ओके नेक्स्ट है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पैलेट, एंड गाइस इसे मैंने आपको दिखा चुका है, इसके मैंने आपको रिव्यूज़ दिए हैं, आप देख लेना इसकी जो पहले वाली वीडियो है इसमें मैंने पूरा रिव्यू दे रखा है इन सब का। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट प्रो पैलेट, ये 9 कलर पैलेट है, इसमें ब्राउन शॉट ऑफ शेड्स ज़्यादा ब्राउन एंड ब्लैक टाइप के शेड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ये HLR का कलर स्कूल का ये पैलेट, एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इसे भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। सो एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का नोटी पैलेट, एंड गाइस इसमें भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें कॉफ़ी एंड ब्राउन टाइप ऑफ शेड्स ज़्यादा हैं। ओके सो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला हुडा ब्यूटी का पैलेट जो कि है हुडा ब्यूटी रोज़ गोल्ड पैलेट, एंड गाइस इसमें भी मैंने आपको दिखाया था कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं आप देख सकते हो। एंड इसके बाद है मेरे पास ये लैरी रोटा का ये वाला पैलेट जिसमें कि बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, आपको बहुत ही कलरफुल पैलेट है, इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद है मेरे पास ये है सिप्रोफे पैलेट, एंड इसमें मैंने आपको यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वीडियो रहती है ना उसमें मैंने इसका रिव्यू किया हुआ, क्योंकि गाइस मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दीदी आप कौन सा वाला ग्लिटर पैलेट यूज़ करते हो, तो गाइस ये वाला मैं ग्लिटर पैलेट यूज़ करती हूँ, ये है सिप्रोफे ग्लिटर पैलेट जो कि मुझे बहुत पसंद है। ओके सो नेक्स्ट है मेरे पास इसी में मैंने रखा हुआ था ये कंसीलर पैलेट है, इसमें आपको काफ़ी सारे कंसीलर के शेड्स मिल जाते हैं एंड एक कलर करेक्टर भी मिलता है। सो यस और नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्लश पैलेट, ये स्टील पैरिस का ब्लश पैलेट जिसे मैंने अपनी मैं अपनी हर ही वीडियो में यूज़ करती हूँ, इसमें काफ़ी सारे आपको ब्लश शेड मिल जाते हैं। सो ये है मेरा आई शेडो पैलेट्स, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास कुछ लिक्विड आई शेडो। सो ये है मेरे पास स्विस ब्यूटी के लिक्विड आई शेडो, ये लिपस्टिक यहाँ क्या करिए तुम, जाओ। तो ये है शेड नंबर गोल्डन गुडेस, गाइस ये 6 है, मैंने 6 के सेट्स में लिया था इसे, तो ये पूरे 6 है। एंड इसके बाद मैंने ये वाले लिए थे, ये हिलेरी रोटा के ग्लिटर आई शेडोज़ हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है बट मैं हाँ अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। सो यस मेरे पास आई शेडोज़ में है इतना ही। नेक्स्ट हम आते हैं अपने आई मेकअप में, तो आई मेकअप के जो आई लाइनर एंड ये सब वगैरह हैं इस पे आते हैं। सो यस ओके सो गाइस यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे सारे आई लाइनर एंड मस्कारा, लिप लाइनर एंड काजल वगैरह, ये सब इसमें रखे हुए हैं। प्लीज़ आप इसकी स्टोरेज में मत जाना, थोड़ा सा मैसी है,
तो मैं ऐसी हूँ, क्या करूँ। सो बहुत ही फैला फैला सामान मैंने रखा हुआ है। तो फर्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का आईलाइनर, देन है मेरे पास एनवाईवी का आईलाइनर, इसके बाद है मेरे पास ये लैक्मे का आईलाइनर, एंड ये आई थिंक सो किसी लोकल ब्रांड का है, मुझे डेजलर का आईलाइनर है ये, एंड ये है मेरे पास एक और आईलाइनर, ये है आई डोंट नो ये कौन सा है, कलर्स क्वीन आई डोंट नो क्या है ये, मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये मेरे पास है लिप पेंसिल ग्लैम 21 की, एंड इसके बाद है मेरे पास ये मस्कारा ब्लू हेवन का, नेक्स्ट है मेरे पास ये मस्कारा लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा। गाइज ये मेरा सबसे फर्स्ट मस्कारा है एंड मेरे पास दो ही मस्कारे हैं अभी। इसके बाद है मेरे पास ये मास्क की वाइट आई पेंसिल, और इसके बाद है ये वाली वाइट आई पेंसिल बॉब की, एंड इसके बाद है मेरे पास ये मेबलिन का पेन आईलाइनर, एंड इसके बाद है मेरे पास मेबलिन का ही कोलोसल काजल, एंड यहाँ पे मेरे रखे हुए हैं जेल आईलाइनर्स, ये है म्यूज़िक फ्लोर का जेल आईलाइनर, जो दो आते हैं ना, एक ब्लैक शेड में और एक आई थिंक सो ब्राउन शेड में, तो ये हैं मेरे। एंड नेक्स्ट है मेरे पास स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर एंड आई थिंक सो आईब्रो पाउडर, ये सब हैं। ये हिलेरी डोजा का है, देन ये मेरे पास क्या बोलते हैं आईलैश ग्लू है, सीजर है, थ्रेड है, आईलैश ग्लू है अगेन, एंड आईलैश मिस मैं रख लेती हूँ निकाल के, ये सब आपको दिख रहा होगा। बस ये काफ़ी मैसेज है, मैं इसे ज़्यादा नहीं दिखा सकती, सॉरी एम्बेरस फील हो रहा है मुझे। ओके सो हम आते हैं अपने लिपस्टिक पार्ट में। तो लिपस्टिक में गाइस मेरे पास ज़्यादा आपको लोकल वाले ब्रांड की लिपस्टिक मिलेंगी, ज़्यादा आपको हाई एंड वाले ब्रांड की या ड्रग स्टोर ब्रांड की लिपस्टिक्स नहीं मिलेंगी। तो ये है मेरे पास वेला वोस्टे की लिपस्टिक, नेक्स्ट है ये वाला मेट सुपर मेट लिपस्टिक हाफ एंड हाफ की, एंड ये है मेरे पास अगेन वेला बोस्टे की, ये है मोल्टन मेट नायका की, एंड ये अगेन हाफ एंड हाफ मेट लिपस्टिक, एंड ये मार्स का पूरा सेट मैंने एक बार लिया था तो यहाँ पर रखा हुआ, ये है पूरा मार्स का सेट लिपस्टिक्स का, मिनी लिपस्टिक का। एंड इसके बाद है मेरे पास ये मेट मी लिपस्टिक, इसके 6 कलर्स आए थे आई थिंक सो, या 6 कलर्स आए थे जो कि यहाँ कहीं रखे होंगे। ये है इसका एक कलर, एंड इसका एक कलर ये है, और इसका एक कलर ये है, इस टाइप्स के हैं। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक जो कि ड्यूप है ऑफकोर्स, एंड इसके बाद है मेरे पास ये वाली लिपस्टिक, ये है जस्ट कैंडी की रॉयल मेट लिप वेलपिट लिप क्रीम। गाइस ये वाली मुझे बहुत पसंद है, बट ये थोड़ा सा हैवी लगती है लिपस्टिक लिप्स पे, बट मुझे पसंद है ये वाली। नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक, ऐसी मेरे पास 4 लिपस्टिक्स हैं, 4 शेड्स हैं मेरे पास ये, एंड एक ये है, एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये नायका की शेड नंबर डेजा न्यूड, एंड इसके बाद है मेरे पास स्विस ब्यूटी की अगेन ये क्या बोलते हैं इसको, क्रेयॉन ना, क्रेयॉन लिपस्टिक्स, एंड ये है मेरे पास कौन सी है, ये कोई नाम नहीं दिया, ये इसी लोकल ब्रांड की है, मैंने लोकल मार्केट से ली। नेक्स्ट है मेरे पास ये लिपस्टिक, ये है 7 कलर्स की 2-in-1 लिप लिक्विड लिपस्टिक कलर स्टे, एंड इसके बाद है मेरे पास ये ब्लू हेवन की एलिगेंस मेट लिपस्टिक, एंड फिर इस मेरे पास है ये वाली लिपस्टिक, ये है हाफ एंड हाफ की, इसका शेड मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये बिल्कुल ब्राइट जो क्या बोलते हैं ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज रेड वाला जो शेड होता है ना ये वो है, एंड काफ़ी पसंद है मुझे वाला शेड। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का ये वाला शेड जो कि अगेन मुझे पसंद है, ओ माय गॉड क्या लग गया, अगेन मुझे बहुत पसंद है ये, थोड़ा सा ना ब्राउनिश टाइप ऑफ शेड है जो कि इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। सो गाइस ये है एक मेरे पास,
एंड मैं इसे ऐसे ही डाल देती हूँ। देखो मैं कितनी मैसी हूँ ना, कितनी मैसी, मैंने कितने मैसी तरीके से अपना पूरा सामान रखा हुआ है। ओके सो फटाफट से अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे मेकअप स्प्रे वगैरह एंड या सो ये है मेरे पास मेकअप स्प्रे, ये है मेरे पास ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सर, नेक्स्ट है मेरे पास किस ब्यूटी का प्रेप प्लस प्राइम मेकअप फिक्सर, नेक्स्ट है मेरे पास ये T3 गोल्ड वाइब्स का T3 ग्लो टोनर, ये टोनर है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास आई थिंक सो ये हेयर स्प्रे है, एंड ये है मेरे पास मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का, और ये है अगेन मेरे पास हेयर स्प्रे एंड दैट्स इट, और कुछ बाकी तो नहीं रह गया। ओके एंड इसके अलावा मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं 2-3 एंड या सो गाइस यहाँ पे है मेरे ये कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड सॉल्यूशन, देन मेरे पास है ये वाला मैं ये वाले अपने क्या बोलते हैं आई लैशेज़ यूज़ करती हूँ, ये मिक्स के ये मुझे अच्छे लगे हैं तो मैं यही यूज़ करती हूँ अभी तक। एंड मैंने कौन सा वाला है वो आई थिंक सो मुझे याद करना पड़ेगा, मैं देखो भूल रही हूँ, पैक के आई लैशेज़ यूज़ करें एंड ये मिक्स, इसके अलावा भी मैंने कोई आई लैशेज़ यूज़ नहीं किए हैं। नेक्स्ट मैंने ये मंगा के रखे हैं राइनस्टोन्स, मैंने वीडियोज़ में यूज़ करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। ओके सो इसके बाद है मेरे पास अगेन ये मिक्स की आई लैशेज, सॉरी अब मैं निकाल नहीं पाऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज, इफ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ राइट नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।